हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैडीज़ क्विक किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई या दाल तड़का। फ्रेंड्स, दाल तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम सभी के घरों में बनती है, पर जो रेस्टोरेंट स्टाइल में और ढाबे में जो दाल बनती है उसका स्वाद हम सभी को अलग लगता है। तो आइए आज जानते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है। दाल तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, धनिया पाउडर, नमक, तेल, गरम मसाला पाउडर, एक कप अरहर की दाल, बारीक कटे हुए प्याज, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटे हुए टमाटर, हींग और कटी हुई हरी मिर्च। सबसे पहले हम अरहर की दाल को बॉईल करेंगे। यहाँ हमने एक कप अरहर की दाल लिया है, तो एक ग्लास पानी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। दाल को हमने मीडियम गैस पे पकाना है, इसमें 2 से 3 सीटी हम लगाएंगे। अब तड़का बनाने के लिए एक पैन में हम ऑयल गरम कर लेते हैं। यहाँ हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो जाने पर अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा। जब जीरा थोड़ा क्रैकल होने लगे अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप बारीक कटी हुई प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। अब हमें इन सबको धीमी आंच पे धीरे धीरे फ्राई करना है और अच्छे से पका लेना है। जब प्याज टमाटर अच्छे से पक जाए और उसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें अब हम अपने ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम ऐड करते हैं जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। फिर ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर आधा चम्मच। फिर स्वाद अनुसार नमक, ध्यान रहे कि दाल उबालते टाइम भी हमने नमक डाला था। फिर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। लास्ट में डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग। कई लोग हींग स्टार्टिंग में डालते हैं तेल में, हम इसको थोड़ा बाद में डालते हैं ताकि हींग जले ना और उसका फ्लेवर उस इंटैक्ट रहे। अब मसालों को अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट तक। ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अब हम लास्ट में डालेंगे देसी घी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग देसी घी खाना पसंद नहीं करते। जब मसाला अच्छे से पक जाए अब हम इसमें डाल लेते हैं बॉईल किए हुए अरहर की दाल। दाल को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको उबलने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप पानी ऐड कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी ही ऐड करें। 3 से 4 मिनट तक दाल को उबल जाने के बाद मसालों का फ्लेवर दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब हमारा दाल रेडी है। इसको गरम गरम सर्व करें रोटी, राइस या पराठे के साथ। तो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का तैयार है।
अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, आज ही ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं। For more such videos, like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.